हे गाइस, इट्स फीचर्स हियर। आज के वीडियो में हम देखेंगे हम हमारे घर पर रह के अपने डिस्क के ब्रेक पैड्स को कितने एफिशिएंट तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे डिस्क ब्रेक कैलिपर्स। इस कैलिपर में आपको दिख रहा होगा एक पिन दिख रहा होगा, इसे हम लॉक पिन बोलते हैं। इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा हमारे ब्रेक पैड्स को हटाने के लिए। तो इसको रिमूव करने के लिए आप किसी भी नॉर्मल प्लायर का हेल्प ले सकते हैं। बस इसको पिन को स्ट्रेट करना है और पिन आपकी इजीली निकल जाएगी। तो इस पिन को निकालने के बाद आपको करना यह है कि अपने ब्रेक पैड्स को बाहर निकाल लेना है। देखिए, मैं बता देता हूँ, ये पिन हमने बाहर निकाल ली है। अब हम अपने ब्रेक पैड्स को बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ईजिली हमने इसको बाहर निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं ये पैड्स में जो शाइनी पोर्शन है वो थोड़ा स्लिपरी हो गया है, इजीली ग्रिप नहीं हो पाता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम हमारे ब्रेक पैड्स को अब क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोप सॉल्यूशन। आप किसी भी नॉर्मल सोप सॉल्यूशन का यूज़ करते हुए अपने ब्रेक पैड्स को इजीली क्लीन कर सकते हैं। कोई भी सोप सॉल्यूशन ले सकते हैं आप, या मैंने लिक्विड हैंड वॉश लिया है। आप नॉर्मल सोप का भी यूज़ कर सकते हैं। जब फोम डेवलप हो जाए तो आप नॉर्मल से कोई भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। तो जल्दी से इसको वॉश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पहले जो शाइनी पार्ट था वो अब रिमूव हो चुका है, काफ़ी हद तक वो रिमूव हो चुका है। मैं आपको इसको थोड़ा ड्राई करके दिखा देता हूँ, आपको इजीली पता लग जाएगा। देखिए, जो पहले जो शाइनी पार्ट था वो ऑलमोस्ट चला गया है। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड मेथड से हम इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में हम यूज़ करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये दोस्तों आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईजीली मिल जाएगा। तो इसका यूज़ करते हुए आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक ये जो ऑयल या ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं उसको ईजिली रिमूव कर देता है। तो मैंने एक ईयरबड लिया है, उसकी हेल्प से मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। आप नॉर्मल कोई भी कॉटन कपड़ा लेके या दूसरा कपड़ा लेके आप इसको क्लीन कर सकते हैं। देखिए, जल्दी से इसको क्लीन कर लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा ड्राई कर लेता हूँ, आप देखिए। तो गाइज, हम थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। तो हम इसमें यूज़ करेंगे नाइफ शार्पनिंग बार। आप नाइफ शार्पनिंग बार किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें हम बस करना ही है कि इसके ऊपर हमें इसको बस रब करना है। इसको स्क्रब कर देंगे तो जो ब्रेक पैड के ऊपर की जो लेयर होती है ऑयल की या ग्रीस की, वो ईजिली रिमूव हो जाती है। और गाइज, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गए हमारे स्क्रब करने से। तो आप इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रेक पैड्स को क्लीन करने के लिए। और एक एडिशनल मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें सैंड पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार नहीं मिलता कहीं से तो आप इसमें सैंड पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम हमारे ब्रेक पैड्स को वापस हमारे कैलिपर में लगा देते हैं। तो सिंपल करना है बस यही है कि आपको ब्रेक पैड्स को इस पिन के साथ अटैच करके अपने कैलिपर में इंसर्ट कर देना है। देखिए, और वापस आपको इंसर्ट करने के बाद आपको जो पिन आपने निकाली थी आपको वापस वो लॉक पिन इसमें लगा देनी है। और पिन लगाने के बाद आपको वो उसके पिन के एंड को ट्विस्ट कर देना है ताकि वो लॉक हो जाए। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पिन हमने इंसर्ट कर दी है। अब हम प्लायर की हेल्प से इसको बैंड कर देंगे ताकि ये पिन वापस निकलेगी नहीं। देखिए, ये हो गए रेडी हमारे ब्रेक पैड्स। अब हम चलिए इसको थोड़ा सा मूव करके देख लेते हैं कहीं ये ब्रेक पैड्स हमारे डिस्क से रब तो नहीं हो रहे हैं, कोई आवाज़ ऐसी तो नहीं आ रही है। तो गाइज़, है ना कितना आसान, आप भी घर बैठे बैठे इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। आपको मार्केट जाके पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी स्क्रीन पे जो ये फोटोज़ आ रहे हैं, इसके लिए मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, अपलोड करे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको भी साइकिलिंग रिलेटेड वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।